हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया था नॉन यूनिवर्सिटी और मेरे साथ है संदीप। आपको दिखाता हूँ मैं एक चार्ट सा था यहाँ पे, मैंने सोचा वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चार्ट एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें। देख सकते हो आप, डेफिशिएंसी अगर हो जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट्स की तो पत्तियों के जो कलर है वो किस तरह से बदलते हैं, ये देख सकते हो आप। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं मैं। ये देख सकते हो आप, नीचे से पोटेशियम हो गया पी या नाइट्रोजन हो गया, येलो हो जाएगी लीव। ये देख सकते हो आप ऊपर से लेकर नीचे तक, वीडियो पॉज करके, ये भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आप, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए, ये हमारे ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के साथ, यूनिवर्सिटी जो कर रही है, पढ़ सकते हो आप वीडियो पॉज करके। आगे को देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड किया हुआ है इसमें। फ्रेंड्स, आज मैं गया था नॉन यूनिवर्सिटी सॉइल टेस्टिंग के लिए, अपने लैंड की जो सॉइल थी उसका टेस्ट करवाया। तो वहाँ पे एक्चुअली सबमिट हुई थी बस जो सॉइल थी, तो रिपोर्ट मुझे एक महीने के बाद मिलेगी। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अगर अपर शिमला में कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई लैब हो या थोड़ा इंस्टीट्यूट हो सॉइल साइंस से रिगार्डिंग, जिसमें कि थोड़ी एजुकेशन भी प्रोवाइड हो यूथ को और सॉइल टेस्टिंग की लैब भी उसमें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में बढ़िया से हो, तो जितना भी एप्पल का क्राउड है आप देख सकते हो वो सारा अपर शिमला में ही है। तो अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई इंस्टीट्यूट बनाए, ताकि नहीं तो काफ़ी किसान जितने भी है उनको काफ़ी दूर से जाना पड़ता है अगर सॉइल टेस्ट के लिए जाना है। मशोबरा भी है वैसे ऑप्शन, नहीं तो नॉन ही जाते हैं मैक्सिमम लोग, तो कईयों को काफ़ी दूर से आना पड़ता है, तो उनको कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता जाने के लिए आने के लिए। तो अगर कहीं ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा नज़दीक अगर अपर शिमला में हो इंस्टीट्यूट, तो एक सहूलियत हो जाएगी। हालांकि लैब्स तो काफ़ी मिल जाएगी अपर शिमला में, थोड़ी प्राइवेट है, पर अगर जो गवर्नमेंट करे अगर प्रॉपर लैब, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है पब्लिक को, जितने भी फार्मर्स हैं। तो आजकल देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जैसे 11 कंपनी है उसकी और ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी जो सॉइल टेस्टिंग है वो काफ़ी ऑथेंटिक है। तो इसके पीछे हमें ये सोचना चाहिए कि रीज़न क्यों है, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें फेल हो रही है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी है। तो मैक्सिमम लोग 11 की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो वजह यही है कि जो गवर्नमेंट है अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करे अच्छे से, तो जैसे 11 जैसी कंपनी है उनको आने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़े। तो अगर गवर्नमेंट करेगी अगर कोई प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट खोले अपर शिमला में, जिसमें सॉइल से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दे यूथ को, और सॉइल टेस्टिंग की काफ़ी जगह जगह में लैब्स खोले, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये हमें ही करना पड़ेगा जो यूथ है, अगर हम कुछ पहल करें तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।